हे दोस्तों, जापान में इन दिनों कुछ लोग अलग तरह की अजब अजब जॉब्स बेहद पसंद कर रहे हैं जो आपको हैरान कर सकती है। मजेदार बात ये भी है कि ऐसी नौकरियों के बारे में सुनकर आपको भले ही कुछ अजीब लगे, लेकिन इसके करने वाले लोग और इस तरह की नौकरी करने वाले की डिमांड जापान में ऐसी हो गई है कि एक खास तरह का चलन ही बन गया है। जानिए वो वहाँ की इन 5 अजीबो गरीब नौकरियों के बारे में। मेट्रो ट्रेन में धक्का देने की जॉब। क्या मेट्रो ट्रेन में धक्का देना भी एक जॉब हो सकती है? शायद आप सोच में पड़ जाएंगे, लेकिन कुछ जापानियों के लिए ये भी एक जॉब है। दरअसल अपने देश की तरह या कहे उससे कहीं ज्यादा ही जापान की मेट्रो ट्रेनों और स्टेशनों पर कई खास समस्याओं पर इतनी भीड़ उम्र आती पड़ती है कि उसे संभालना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए वहाँ के कई कर्मचारियों को सिर्फ यात्रियों को धक्का देने के लिए नियुक्त किया जाता है। धक्का देने की वजह से कई लोग मेट्रो ट्रेन में चढ़ भी पाते हैं। शादी में बतौर मेहमान जाने की जॉब। हे दोस्तों, अपने देश भारत में तो ज्यादातर शादियों में नाते रिश्तेदारों की कोई कमी नहीं होती कि शादी का जश्न फीका पड़े। अधिकतर भारतीय शादियों में तो मेहमान बड़ी संख्या में आ जाते हैं, लेकिन जापान में लोग किसी की शादी में शामिल होने से ज्यादा अपने काम को वरीयत देते हैं, जिससे ज्यादातर शादियों में मेहमान की कमी खटकने लगती है। इसलिए जापान में किसी की शादी में मेहमान बनकर जाना भी एक तरह की जॉब हो गई है, जिसके लिए बकायदा अच्छी खासी रकम भी अदा की जाती है। दुखी मर्दों और औरतों के साथ सोने का जॉब। इन दिनों जापान के कई शहरों में ये नौकरी भी खूब चलन में हो गई है। इसमें दुखी मर्दों को अनजान औरतों के साथ और दुखी औरतों को अनजान मर्दों के साथ सोने दिया जाता है। इसके लिए मर्द महज एक रात गुजारने के लिए जरूरतमंद इंसान दूसरे को रकम अदा करता है। ये भी जापान में कमाई अच्छा जरिया बनता जा रहा है। बच्चों का होमवर्क पूरा करने की जॉब। जापान के स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियों में मिले होमवर्क से बच्चों के पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं। अधिक समय नहीं दे पाने की वजह से ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जो प्रोफेशनल तरीके से बच्चों का होमवर्क पूरा करवा सके। बदले में कई पेरेंट्स तो अच्छी खासी रकम भी पे करने को तैयार हो जाते हैं। इस जॉब के लिए भी लोगों की खूब डिमांड बढ़ी है। कान की सफाई करने की जॉब। जापान की राजधानी टोक्यो समेत कई प्रमुख शहरों में इस तरह की जॉब के लिए भी लोगों को खूब डिमांड बढ़ी है। पार्लर चलाने वाले ऐसे लोगों को जॉब देने के लिए तैयार रहते हैं जो इसमें लोगों के गंदगी भरे या फिर ब्लॉक कान की सफाई करते वक्त बिल्कुल ना हिचके। इसके लिए पार्लर सफाई करने वाले कर्मचारी को ठीक ठीक रकम पे करने को भी तैयार रहते हैं। हे दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही वीडियोस मैं लाते रहूं तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं इसमें से कौन सी काम अगर आपको करने को मिले तो क्या आप करना चाहेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।